तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो यमा कंपनी है ना, तो इनके तरफ से आज से बहुत दिनों पहले ही आ चुका था इसी इंडियन मार्केट के अंदर और उससे भी पहले आ चुका था ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एरोक्स 155। तो ये सब तो लगे, लेकिन हाल ही के दिनों में भी कुछ न्यू मॉडल्स अभी इंडोनेशियन मार्केट्स के अंदर लॉन्च हुए हैं, जिनमें से ये भी एक मॉडल है जो कि आप लोग वीडियो के अंदर देख ही रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, आज के इसी वीडियो के अंदर किसी न्यू मॉडल के ही बारे में जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इस स्कूटर के अंदर अभी आपको क्या कुछ न्यू पावर फीचर्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने है एरोक्स 155 जो कि एकदम ही एक न्यू कलर के अंदर अंदर, और ये वाला जो एडिशन है ये एक न्यू एडिशन है। बाकी तो देख ही सकते होंगे ये वाले स्कूटर के अंदर आपको जो कलर देखने को मिलेगा ना, मतलब स्कूटर का जो बॉडी वाला कलर है तो वो पूरे तरीके से एक ग्लॉसी रेड कलर के अंदर किया गया है और उसके साथ साथ कुछ कुछ जगह पर आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिलने वाले हैं। और उसके अलावा ये जो रेड कलर किया गया है, ग्लॉसी रेड वाला कलर, तो इसके भी ऊपर कुछ कुछ देख ही सकते होंगे व्हाइट वाला स्टिकरिंग किया गया है। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर का आप लोग देख ही सकते होंगे जो एलॉय व्हील्स जो दिया गया है तो वो भी मैट ब्लैक कलर के अंदर किए गए हैं, जो कि भाई देखने में बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत चीज तो लग ही रहा है। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे ये वाले स्कूटर के भी अंदर बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलेगा जो एरोक्स नाम है और उसके साथ साथ 155 तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इस वाले स्कूटर के अंदर आपको वीवीआई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाले है। और इसके अलावा स्कूटर का जो सीट है ना भाई, ये दूर से देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये कंफर्टेबल होगा भाई राइडर्स के लिए और पिलियंस के लिए भी। और इसके अलावा इस स्कूटर के अंदर आपको कई तरीके का कुछ सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि दूसरे किसी भी स्कूटर्स के तुलना में मतलब थोड़ा सा अलग है। और बाकी इस स्कूटर के अंदर आपको जो एक मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो वो भी एक पूरा ही डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको कई सारा फीचर्स तो देखने को मिलेगा ही। और उसके हिस्से इसी वाले स्कूटर के मॉडल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो यामा का जो कनेक्ट वाला जो फीचर्स है, मतलब जो ऐप कनेक्टिविटी है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जैसे कि देख सकते होंगे इस स्कूटर का जो सामने वाला पार्ट है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और उसके हिस्से इस स्कूटर का जो चक्का है सामने का, तो उसके अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ एबीएस। और इसके अलावा इस स्कूटर का जो पीछे का जो पार्ट है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो डुअल कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स होता है, तो वो वाला सस्पेंशन। और बाकी ये वाले स्कूटर के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो वो है एक 155 सीसी वाला एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जिसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा तो वो है 15 bhp। और इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा तो वो है 14 Nm। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जितने भी जो भी कुछ लाइट्स देखने को मिलने वाले हैं स्कूटर के अंदर दिया हुआ कंपनी की तरफ से, तो वो मैक्सिमम ही एलईडी के अंदर अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कीलेस स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम। और उसके साथ इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। तो यही था कुछ मेन इन्फॉर्मेशन इसी न्यू एरोक्स 155 के ही एक न्यू कलर एडिशन का। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।